और लखनऊ में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज से बैडमिंटन मुकाबले शुरू हो गए। बैडमिंटन गर्ल्स टीम इवेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम ने शिरकत की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी स्नेहा राजभर भी शामिल है। इसके अलावा शोभा और शबनम ने भी एमयू की ओर से चुनौती पेश की। इन खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया गेम्स में खेलने से खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने में मदद मिलेगी। एमयू की गर्ल्स बैडमिंटन टीम से खास बातचीत की दूरदर्शन संवाददाता अमित कनौजिया ने। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बदलते समय के साथ ये कहावत बदलती दिखी है। आज के दौर में खेलोगे कूदोगे तो बनोगे आफ्ताब, कामयाबी के शिखर पर पहुंचोगे। और हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने खेलो इंडिया गेम्स में एएमयू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, उनके बारे में। हमारे साथ स्नेहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं। स्नेहा, कैसा लग रहा है आपको खेलो इंडिया में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए एक्सपीरियंसेस आ हो रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आगे अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूँ, एएमयू को, और अच्छा दूँ, अच्छा खिलाऊँ, अच्छा खेलूँ और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूँ बाहर कंट्रीज़ में। मैं काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ और इंडिया को। स्नेहा, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ टूर्नामेंट्स खेल चुकी हैं, जैसे कई नए बच्चे हैं, देश भर की यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये? बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी ऑलरेडी इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं काफ़ी प्लेयर्स, तो उनके साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट कि हम नेशनल और इंटरनेशनल्स ही खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। खुश हूँ यहाँ पे खेल के, अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे प्रेजेंट करके एएमयू को, और यहाँ काफ़ी तरीके के एक्सपीरियंसेस भी मिले, और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा भी खेलती हैं और मीडियम भी खेलती हैं। शबनम, आपके लिए, क्या आप पहली बार हिस्सा ले रही हैं या पहले भी खेल चुकी यूनिवर्सिटी? ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं यूनिवर्सिटी में पार्ट लूँ, एएमयू को रिप्रेजेंट करूँ और मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करूँ। यूनिवर्सिटी से आगे भी खेलना चाहती हैं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही रहना चाहती हैं? जी नहीं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे और मैं अपने मेडल लाना चाहती हूँ इंडिया के लिए। नए नए प्लेयर्स से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें पूछते हैं, और हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है कि हम वहाँ जाके प्रैक्टिस करें और कुछ नया सीखें। यहाँ पे जो भी टॉप 4 टॉप 8 में होंगे उनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिल रहा है, सो मैं तो एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी टीम हार गई है, पर मैं चाहती हूँ कि आगे भी मतलब जो भी प्लेयर्स जीतेंगे यहाँ पे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलेंगे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। वो बाहर चाइना पे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो चाइना जाएंगे, बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे, बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस, प्रेशर हैंडल करना आएगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा, शोभा, शबनम हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना इन बच्चियों को जिन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेशन किया, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी खेलों में हिस्सा लें ताकि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके का प्रेशर होता है उस तरीके के प्रेशर को हैंडल करने की उनको आदत पड़े। कैमरामैन विवेक के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ।